हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं, हम चैप्टर 4 क्लास 12th एनसीईआरटी हमारी अप्रोच रहेगी हमें पढ़ाने की, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। तो ये आप बोल सकते हो नीट के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही मीनिंगफुल रहेगी। तो इसमें हम बात करेंगे हम इनफर्टिलिटी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो बंद्यता। उसके साथ में बात करेंगे आपकी एसेसरीज रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज, यानी कि सहायक जननिक प्रौद्योगिकियां, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही बेसिकली बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी। तो बेसिकली ये एक स्टेज है जिसमें जो कपल हैं वो कई साल तक जो मिलन की बेला है आप बोल सकते हो उसे, यानी कि सेक्स करने के बाद में भी वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो कई रीजन कई सारे हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है कोई भी, और कोई प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर भावनात्मक, या फिर शारीरिक, या फिर बायोलॉजिकल, कोई सभी रीजन की वजह से, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, कोई ऐसी रीजन की वजह से जिसमें कपल है कई साल तक सहवास करने के बाद में भी बच्चे पैदा नहीं कर पाए, तो उस स्टेज को आप बोल दो इनफर्टिलिटी। ओके, तो इस इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं हम उन्हें बोलते हैं एसेसरीज रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, एसेसरीज रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, सहायक जननिक प्रौद्योगिकियां। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इनफर्टिलिटी में आप इसे कैसे दूर करोगे। तो हमारे पास में कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप लेबोरेटरी के द्वारा कई सारी जो कंडीशंस होती हैं उसे एनालिसिस करके कि क्या फॉल्ट है, उस फॉल्ट को दूर करके आप यहाँ पे इस चीज को दूर कर सकते हैं। तो बात करें हम सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से आप दूर करोगे। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। एक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन मीन इज द मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का रिप्रोडक्शन और उसके बाद में जायगोट का बनना, ठीक है। और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में आप बोल सकते हो जीवनिषेचन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट्स रियली मीन, जिसे आप बोलते हो टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएशन। इट इज टोटली फंक्शनल इन योर लेबोरेटरी। दैट्स मीन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विल बी, इस होल प्रोसेस विल बी हैपनिंग इन योर लेबोरेटरी वर्क, यानी कि आपकी प्रयोगशाला में ये पूरी प्रोसेस की जाती है, ठीक है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इन विट्रो पे बात करते हैं। तो इसमें आप जो बेबी बनता है इस प्रोसेस के द्वारा फॉल्ट को दूर करके जब आपको बेबी मिलता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप टेस्ट ट्यूब में कोई बेबी क्रिएट करवा रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका टेक्निकल मीनिंग इसमें होता है आप आउट ऑफ द ह्यूमन सेल, आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आप यहाँ पे जायगोट बनवा रहे हो। कैसे? यहां से आप एग लेके फीमेल से एग लेके और मेल की स्पर्म लेके आप यहाँ पे अच्छे से मीडियम में इनका जो सोर्स है, एनर्जी सोर्स है वो देंगे, यहाँ पे अच्छे से इनकी मीडियम देंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सुगर है, तो आप इसे यहाँ पे मीडियम में ग्रो करवाएंगे। तो यहाँ पे जो जायगोट बनता है इस जायगोट को आप फीमेल में डालेंगे, फीमेल हो सकती है, सरोगेट मदर हो सकती है, ठीक है, कराई की मां बोलते हैं जैसे आप। तो वहां पे इस जायगोट को डालेंगे और इस जायगोट को आपको फेलोपियन ट्यूब में जब ट्रांसफर करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे इसे? जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। किसमें ट्रांसफर कराया आपने इसे? हमने इसे ट्रांसफर किया है फेलोपियन ट्यूब में। तो ध्यान रखना जायगोट जब तक आपकी इसके ब्लास्टोमियर, यानी कि आपकी जायगोट में जो सेल्स मिलके बनी होती है उन्हें बोलते हैं ब्लास्टोमियर। अगर ये आपका जायगोट 8 ब्लास्टोमियर्स तक की सेल्स तक आया तो उसे आप फेलोपियन में ट्रांसफर करेंगे, 8 या फिर 8 से कम, ठीक है।
अगर इसमें ब्लास्टोमियर 8 सेल से ज्यादा हो जाए तो आप उसे कहां ट्रांसफर करोगे, आप उसे यूटेराइन या उनकी गर्भाशय में ट्रांसफर करोगे, तब उसे बोलोगे आप इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पे हमने जो जायगोट बनवाया हमने आउट ऑफ द ह्यूमन सेल, और इस जायगोट को हमने अगर ये 8 ब्लास्टोमियर जो जायगोट की सेल्स हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं, अगर ये 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो इसे आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, अगर 8 ब्लास्टोमियर सेल से ज्यादा का है अगर आपका जायगोट तो आप उसे यूटेराइन की गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इनकी सेल्स की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, अगर आपने इसे 8 सेल से ज्यादा वाले जायगोट का यहाँ ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन में तो ये यहाँ पे डेड हो जाएगा और ये हमारी अनसक्सेस हो जाएगी पूरी प्रोसेस। तो आपको याद रखना है ये आपकी होती है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि लेबोरेटरी में आप जायगोट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा होता है इनविवो, यानी कि ये जीव से बाहर निषेचन हो रहा है, इसमें होता है इन द ह्यूमन सेल इन द ह्यूमन बॉडी आपकी फर्टिलाइजेशन होगा, इन द ह्यूमन बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसी क्या प्रोसेस, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसमें आपके टेक्निक्स की जरूरत पड़ गई, जैसे आप ईआरटी बोल रहे हैं, तो देखिए इसमें जो फीमेल होती है या फिर फीमेल बेसिकली उनके लिए यूज की जाती है जो कि जिनमें गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, यानी कि ओवम नहीं बन रहा है, यानी कि उनमें जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही है, यानी कि उनमें ओवम नहीं बन रहा है, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपके प्रेगनेंसी का जो एनवायरमेंट है वो यहाँ पे इसके लिए सही है, यानी कि इस फीमेल में फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ग्रो करता है आपका जायगोट वो सारी प्रोसेस के लिए ये बॉडी सही है, लेकिन इसमें गैमेटोजेनेसिस यानी कि ओवम नहीं बन रहा है। तो इस चीज में क्या करोगे आप, तो इसमें आप इन विवो फर्टिलाइजेशन का यूज करोगे। इसमें आपकी सबसे पहले आती है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें ओवम नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, आप किसी स्वस्थ जो फीमेल है जिसमें आपका ओवम बहुत अच्छी क्वालिटी का है वहां से आप इसे लोगे, जैसे आप बोल सकते हो डोनर फीमेल का यहां से ओवम लोगे और इसमें आप ये जो फीमेल है ये वाली फीमेल इसमें आप ट्रांसफर कर दोगे। तो आपको किसका ट्रांसफर कर रहे हो, नॉट जायगोट, इट इज ओनली ओवम। अब ओवम और स्पर्म को आप अलग से क्या बोलते हो, आपने बोलते हो गैमेट। That's why we are calling this process gamete intrafallopian transfer. हमने ट्रांसफर कहाँ किया है, फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब में अभी आपकी फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, इन द ह्यूमन सेल इन द ह्यूमन बॉडी, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, आउटर फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो इस ये जो प्रोसेस चल रही है ये किन के लिए है, जिनमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए बॉडी है वो एक्लिमेट नहीं है, यानी कि उनकी बॉडी है वो फर्टिलाइजेशन करवा नहीं पा रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी की वो यहाँ पे सही प्रोसेस करवा पा रही है। उस कंडीशन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बॉडी में, इसीलिए आपने बाहर फर्टिलाइजेशन किया है और उस जायगोट को अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी जो प्रेगनेंसी के लिए जो चाहिए वो एनवायरमेंट है इसके अंदर मौजूद है, तो इसमें आप इसीलिए जायगोट को डाल रहे हो ताकि ये आगे ग्रो करे और आपका बेबी बनाए, इन्फेंट बनाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे जो फीमेल है उसमें ओवम नहीं बन रहा है, बाकी इसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, साथ में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रो भी कर सकता है। तो इसमें हमने गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर करवाया ऐसी फीमेल में जिसमें ओवम नहीं बन रहा है, साथ में इसमें दूसरी प्रोसेस होती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण, यानी कि टोटली डायरेक्टली जो फीमेल का ओवम होता है ये उस कंडीशन में किया जाता है, जैसे ये आपका ओवम है, ठीक है, और ये आपका स्पर्म है और ये आपका ओवम है, तो इसे
माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली इसमें इंजेक्ट करवा दिया जाता है, तो इंसेमिनेट करवा दिया जाता है। तो ये उस कंडीशन में करवाया जाता है जिसमें आपका जो मेल पार्टनर है भी उसमें स्पर्म है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ही ये इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, ये यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो मेल पार्टनर की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर उसके इस जो सीमन है उसमें स्पर्म जो काउंटिंग है वो कम हो सकती है, या फिर वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है उतनी एनर्जी से जितनी इन्हें चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, स्पर्म को माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली ओवम में इंसेमिनेट करवा लोगे। तो ये आपके ह्यूमन आउटर आपने टेक्निक के द्वारा किया है, ठीक है, कोई नेचुरली तो हुआ नहीं है, और इसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन इसीलिए होता है क्योंकि आपने फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो निषेचन हो रहा है शरीर के अंदर वो ह्यूमन के अंदर ही हो रहा है। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो भी उसी कंडीशन में होता है जिसमें आपके मेट पार्टनर में कि सीमन में स्पर्म काउंटिंग कम होती है और वो स्पर्म को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है उतनी एनर्जी से, तो उस कंडीशन में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप एक स्वस्थ जो मेल पार्टनर है उसकी स्पर्म को लोगे और आप ओवम से उसे इंजेक्ट करवा लोगे, तो वहां पे आपके जो जायगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन होगा इनके बीच में, और जो जायगोट बन रहा है वो इन द ह्यूमन सेल बन रहा है, इन द ह्यूमन बॉडी बन रहा है, इसलिए इन वो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रांसफर हुआ हमने देखा, हमने कुछ टर्म देखी, सबसे पहले देखी हमने जिससे टेस्ट ट्यूब बन रहा था जिफ्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दूसरी टर्म देखी हमने इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर जिसमें हमने यूटेराइन में ट्रांसफर किया था आपका जायगोट जो जिसमें आप 8 ब्लास्टोमीटर से ज्यादा सेल्स थी, दूसरा हमने देखा इन विवो फर्टिलाइजेशन जिसमें हमने देखा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिसमें एक फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो सकती है, तो इस कंडीशन में आप गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करोगे। दूसरा होता है जिस और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बोथ आर द बेसिकली सेम जिसमें ह्यूमंस में जो मेल पार्टनर होता है उसकी स्पर्म काउंटिंग कम होती है और वो उतनी एनर्जेटिक वे में इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए, तो आप किसी स्वस्थ मेल के स्पर्म लेंगे और उसे आप माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट करवा सकते हैं या फिर उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इंजेक्ट करवाया जा रहा है माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, जो कि इसमें डायरेक्ट नहीं करवाया जाता है, इसमें कई सारे स्पर्म को इंसेमिनेट आपकी वजाइना में इंसेमिनेट करवा दिया जाता है मेनी स्पर्म्स को जो कि काफी स्वस्थ हैं, हमने किससे लिए थे स्वस्थ मेल से लिए थे। तो ये था, अब देखिए ये जो टेक्निक्स हैं काफी कॉस्टली होती हैं, कॉस्टली टेक्निक होती हैं, यानी नॉर्मली जो इनफर्टिलिटी कपल हैं जिन्हें बच्चा चाहिए वो ये बहन नहीं कर सकते, काफी महंगी होती हैं और कुछ ही शहरों में अवेलेबल है ये इसका जो लूप होल है। दूसरा बात करें हमारे यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली इसका जो मेन लक्ष्य होता है बच्चे प्राप्त करना, इसके कई सारे भावनात्मक और जो सोशल जो एस्पेक्ट है वो जुड़े हुए हैं, साथ में हमें देखना चाहिए हमारे कानून है हमें जो जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें भी आप गोद ले सकते हैं, तो वो अगर आप माइंड करते हैं तो वो हमारे कानून में वैलिड बताया है, तो वो भी एक अच्छा उपाय हो सकता है आप, लेकिन वो कई लोग से सोशलिस्ट एस्पेक्ट वे में उसे सहमत नजर नहीं आते हैं। तो ये हमने पूरा देखा है एनसीईआरटी डिपेंड एनसीईआरटी अप्रोच पे देखा है पूरा इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो गाइस ये तो पूरा इनफर्टिलिटी क्लास 12th का 4th चैप्टर जिसमें हमने इनफर्टिलिटी की बात की, जिसमें कई सारे जो कपल्स होते हैं कई सालों के सहवास के बाद में बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जिसमें आप जेनेटिकली कई सारे जो टेक्निक चल रही हैं उनके द्वारा दूर किया जाता है जिन्हें बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें आप दूर कर सकते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन उन कपल में किया जाता है जिनमें आप उनकी जो बॉडी है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाती है, फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिवेट नहीं है, तो उसमें हमने दो चीजें देखी जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और दूसरा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इसे क्यों बोल रहे हैं हम,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है टोटली, आपके किसमें बन रहा है, चाहे वो आपके लेबोरेटरी में बन रहा है, इसीलिए से आप बोलते हो टेस्ट ट्यूब बेबी। इस प्रोसेस के द्वारा जो बेबी बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो आप आउट ऑफ द सेल ओनली जायगोट बन रहा है, ठीक है, पूरा बेबी तो अंदर ही, जो सरोगेट मदर है या फिर स्वस्थ मदर उसी के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है, जायगोट इंटर फेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेरिन, ठीक है। दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन के लिए बॉडी एक्लिमेट है वो करवा सकती है, लेकिन उसमें जो गैमेट है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो इसमें हमने फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा था, ओवम नहीं बन पा रहा था, उनके लिए गैमेट इंट्रो फेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक बताई, जिसमें आप डोनर जो स्वस्थ फीमेल है उसका एग लेके आप ट्रांसफर कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, जैसे आप बोलते हो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा, जिसमें आप मेल पार्टनर जिसकी काउंटिंग कम है, वो इतने एनर्जेटिक वे में सेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अंतःकोश के शुक्राणु निक्षेपण फोर के आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें स्वस्थ मेल के स्पर्म को आप वैजाइना में इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें आपके जायगोट काम बन रहा है इन द ह्यूमन बॉडी, इसीलिए से बोल रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें आपके जायगोट काम बन रहा है आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसीलिए से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये बेसिकली ये था आपके पूरा एनसीईआरटी अप्रोच पे, और इसे आप देख सकते हैं, वापस भी देख लेना एक बार, इसके और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं जिप्ट क्या है, जीआईएफटी क्या है, वो बेस यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो, आगे हम और भी कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक्स।